दलजीत कौर की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आया हुआ है। उनका दूसरा रिश्ता भी टूटने की कगार पर है। दलजीत ने सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि उनके पति निखिल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हालांकि इन आरोपों पर निखिल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि दलजीत उन पर झूठे आरोप लगा रही हैं। ऐसे में वो एक्ट्रेस पर लीगल एक्शन लेंगे। पति की इस धमकी के बीच दलजीत कौर ने एक बार फिर पति का पर्दाफाश किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की। पहली पोस्ट में दलजीत ने केन्या के घर में लगी पेंटिंग की झलक दिखाई, जिसे दलजीत ने शादी के बाद खुद अपने हाथों से बनाया था। पेंटिंग के साथ कैप्शन में लिखा, दीवार को मिटा दोगे लेकिन सच को कैसे छुपाओगे, सच इतना कमजोर नहीं होता। वहीं अपनी दूसरी पोस्ट पर एक्ट्रेस ने पति निखिल की इंस्टा पोस्ट को रीशेयर किया। पोस्ट देखकर लग रहा है कि निखिल केन्या में एसएन नाम की महिला और दोस्तों के साथ डिनर डेट एंजॉय कर रहे हैं। पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, ओह ये प्यार रुके नहीं रुक रहा, इतने सारे नोटिस मुझे भेज दिए और तुम खुद उसके साथ की चीजें सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। निखिल पटेल, शायद तुम्हें मुझे पोक करना बंद कर देना चाहिए। इससे पहले दलजीत के आरोपों से तंग आकर एक इंटरव्यू में निखिल पटेल ने कहा था, नॉर्मल सिटीजन होने के नाते ये देखना काफी डिस्टर्बिंग है कि कैसे लोग चीप मीडिया अटेंशन के लिए ऑनलाइन प्रोटेक्शन लॉ की खामियों का फायदा उठाते हैं। अक्सर लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं और फेम हासिल करने के लिए कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं। लोगों की मर्जी के बिना उनके फोटोज वीडियो शेयर करना गैर कानूनी है, खासकर बच्चों के, जो समाज में हमेशा एक कमजोर पक्ष होते हैं और जिन्हें हमेशा कानून की सुरक्षा की जरूरत होती है। लापरवाही का मामला है। निखिल ने यह भी कहा था कि अगर दलजीत की टीम जून में उनका बचा हुआ सामान लेने केन्या नहीं आई तो वो उन चीजों को दान कर देंगे, क्योंकि वो उन चीजों को अपने पास नहीं रखना चाहते। इतना ही नहीं, निखिल ने यह भी कहा कि वो कई बार इस बारे में दलजीत से बात कर चुके हैं। निखिल के अनुसार उनकी लीगल टीम ये साफ कर चुकी है कि वो आगे से किसी भी तरह का हरेसमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर दलजीत ने अपनी गैर कानूनी हरकतें जारी रखी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। निखिल की पोस्ट और उनके बयानों से साफ है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। वहीं अब दलजीत ऐसे में क्या कदम उठाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।